नमस्कार, मैं हूं अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं खबरी बात। पूर्व सांसद सह जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव शनिवार को गया पहुंचे। गया पहुंचने पर उन्होंने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि व्यवस्था बहुत खराब है। व्यवस्था ऐसी है कि लोगों को काल के गाल में समा रहे हैं। सरकार के साथ यहां के चिकित्सकों की लापरवाही से लोगों की मौत हो रही है। अस्पताल के निरीक्षण की उन्होंने कहा कि किसी की जान बच जाती है तो बहुत बड़ी गनीमत है। मेडिकल कॉलेज की स्थिति बहुत ही खराब है। कई संसाधन रहते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मरीजों के इलाज में कोताही बरतने वाले चिकित्सक और दवा में कालाबाजारी करने वाले कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि यहाँ 600 ऑक्सीजन सिलेंडर खपत होने की बात कही गई है। इतने सिलेंडर का उपयोग होने के बाद भी सभी मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। हर दिन केवल 150 मरीजों को ही ऑक्सीजन मिल रहा है, शेष को क्यों नहीं मिलता है? फिर 600 सिलेंडर की खपत कहाँ हो रही? नहीं देंगे, बाद में पैसे लेकर के सारे प्राइवेट नर्सिंग होम को ऑर्डर दे दिए। प्राइवेट नर्सिंग होम के पास कोई भी दवाई नहीं है, डेक्सोना नहीं है, विटामिन सी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन वो चोरी पर क्या करते हैं। और जाते ही उनका पैकेज है 35,000 से लेके 1,00,000 रुपया। कंप्लीट कोरोना में अरबपति बनने की पूरी तैयारी, अगले बार में लखपति करोड़पति बना, इस बार अरबपति। और सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है। इतने दिनों के बाद हिंदुस्तान में ऑक्सीजन, और ट्वीट किया जाता है सरकार के द्वारा कि हमारे प्रयास से देश दुनिया के लोगों ने देने का मन बना लिया। जब हर घर की माँ और बेटा, भाई बहन डेथ कर गया, डर का वातावरण, भय का वातावरण, कंप्लीट रूप से पूरा देश दबा हो गया। आम से लेकर के खास तक प्लस कर गए। अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर त्रिपाठी, अभी दो दो लाश यहाँ पड़े हुए हैं। हर दिन मिनिमम 11-12 से 20 लाश यहाँ से जाती है। हर दिन ज्यादा अब 50 की बात हमारे लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जिनका पेशेंट है वो 50 की बात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, वेंटिलेटर यहाँ पर बंद है, खराब है, वेंटिलेटर नहीं के बराबर चल रहा है। आईसीयू रूम वार्ड में एक भी डॉक्टर नहीं जाते हैं चेक करने के लिए, तक नहीं आते। एक भी सीनियर डॉक्टर टच करते नहीं, बस नर्स एक बार जाके सुई लगा देगी, उसके बाद उसको जाने की जरूरत नहीं। पेशाब पड़ा हुआ है वार्ड में, अभी हमारे पत्रकार ने पेशाब देखा, वार्ड में पेशाब पड़े हुए हैं, बोतल में पेशाब पड़े हुए हैं, पूरा का पूरा किट्स वार्ड में है, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा मोटरी बगल में यहाँ से वहां फेंका हुआ है। सरकार बात करती है कि हम यदि लॉकडाउन करेंगे तो मानव चयन बनेगा, बारे मानव चयन, पूरी गंदगी यहाँ, और एक लोगों को कोई देखने वाला नहीं, और रिश्तेदार के अटेंडेंट मजबूरी में बेचारे अपने पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने के लिए कोई नर्स नहीं जाता आपके यहाँ। अब जो अटेंडेंट के पेशेंट यहाँ से सब्जी मार्केट जाएगा, जो घर जाएगा, ये मानव चयन होगा कि ये पहुंचाएगा? फर्स्ट, सेकेंड,